दादी नैन्सी अपने पोते पोतियों के लिए सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम बना रही हैं। यह रेसिपी उन्हें उनकी माँ ने सिखाया था। और हाँ, हम स्प्रिंकल्स कभी नहीं भूलते। तैयार। ओह, मुझसे मिलने कौन आया? मैं आ रही हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें आइसक्रीम मिल जाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम लोग दो हो और आइसक्रीम एक है। ओ, मैंने पता लगा लिया है इस समस्या को कैसे हल किया जाए। ओह, मुझे नहीं लगता कि दादी को ये सब पसंद आएगा। और यहाँ वह है। टेड, एनी, तुम्हें चुनौती से सजा मिलेगी। तुम्हें आइसक्रीम चाहिए थी ना, तो तुम्हें मिलेगी। तो चलो एक स्वादिष्ट बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम लेते हैं। मेरे पोते पोतियों को यह पसंद है। चलो एक चम्मच भर कर डाल देती हूँ। मुझे लगता है यह एक स्वादिष्ट कोने के लिए काफी है। और ओरियोस कुकीज डालती हूँ। लिटिल ओरियोस, मेरे बच्चों की तरह। और निश्चित रूप से चीनी कारमेल सिरप है। बच्चों को सब कुछ सुपर मीठा पसंद होता है। चलो अधिक मीठा करने के लिए और डाल देती हूँ। और ढक्कन बंद कर देती हूँ, इसे चालू करती हूँ और थोड़ा इंतजार भी कर लेती हूँ। हमारे मिक्सर को आइसक्रीम मशीन में डाले। एक वफल कोन को लेकर उसमें आइसक्रीम को डाले। कितना प्यारा। और ऊपर से मार्शमेलो। जरा देखो यह कितना सुंदर है। अब हम इसे स्टैंड में रख देते हैं। चलो अब एक दूसरा कोन बनाते हैं। Okay. यह कुछ खास होगा, लेकिन मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, भले ही वे शरारती हों। चलो चॉकलेट आइसक्रीम डालती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि झींगा चॉकलेट के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे झींगा। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। ये बच्चे हमेशा तीखे चिप्स खाते हैं, फिर उन्हें लाल मिर्च से कोई परेशानी नहीं होगी। मैं सारे मिर्च इसमें डाल देती हूँ। बस ऐसे ढक्कन बंद करना नहीं भूलना है। इसे चालू करें और इंतजार करें। ओह, मुझे लगता है यह तैयार हो गया है। गंध, स्वादिष्ट है। यह कैट फूड की तरह लग रहा है। ठीक है, फिर हम इस मिक्सचर को मशीन में डालते हैं और इसे कोन में भरते हैं। और ऊपर से स्प्रिंकल्स, कीड़े। यह बढ़िया है। सब कुछ तैयार है। मैंने इसे स्टैंड पे रख दिया है। आइसक्रीम अच्छी लग रही है, लेकिन पहले कौन? चलो रॉक पेपर सीजर से फैसला करते हैं। मैं जीत गई। हाँ, मैं पहले हूँ। मैंने सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम ले लिया। वाह, ये बहुत सुंदर लग रहा है। मैं इसे खाने जा रही हूँ। मैं भी इसे खाना चाहता हूँ। कितना स्वादिष्ट। डैड, तुम्हारी बारी आ गई है। चलो खाता हूँ। छी, कीड़े, कितना डरावना है। मैं इसे अपने मुंह में भी नहीं डालना चाहता। यह घिनौना है। ओह, अगर दादी ने ऐसा किया तो एक बुरा मजाक है। आह, घिनौना। बस हो गया, मैंने कर लिया। यह मुश्किल था, लेकिन मैंने किया। हाँ, तो आइसक्रीम के लिए एक और दिलचस्प आइडिया मेरे पास है। चलो एक बॉल चॉकलेट आइसक्रीम की लेते हैं और एक टुकड़ा बढ़िया रेनबो केक, जिसे मैंने अपनी पोती के जन्मदिन के लिए बनाया था। अब ढक्कन को बंद करके इसे चालू करना है और इंतजार करना है। इसे बंद करें और यह तैयार है। यह बहुत स्वादिष्ट निकला। अब यह सब आइसक्रीम मशीन में डालें, कोन भरें और ऊपर से चॉकलेट स्प्रिंकल। कितना स्वादिष्ट। कोई लकी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी आइसक्रीम के लिए मैं एक वनीला आइसक्रीम बॉल का उपयोग करती हूँ। मुझे लगता है यह काफी है। और प्याज, वह बेशक बदबूदार है, लेकिन कभी कभी बच्चों को प्याज भी खाना चाहिए। वह यही कहीं था। बिल्कुल, वह यहाँ है। कीमा मीट। और हम इसे इसमें डाल देंगे। यदि इससे आइसक्रीम को हटा देते हैं तो इसे बढ़िया कटलेट बनेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है यह स्वादिष्ट होगा। आइसक्रीम तैयार है, पर सच कहूँ तो इसे बदबू आ रही है, भयानक। लेकिन शायद अंत में स्प्रिंकल कुछ ठीक कर दे। हम इसे मशीन में डाल देते हैं और कोन को भर देते हैं। ओह, पहले मुझे जाने दो। चलो इस कोन को लेते हैं। मुझे आशा है यह खाने लायक होगा। तो यह कैंडी के साथ चॉकलेट आइसक्रीम की तरह है। ओह, यह स्वादिष्ट।
स्वादिष्ट है, ये तो कमाल का है। एनी, तुम सोच भी नहीं सकती कितना स्वादिष्ट है। ओह, यह सुंदर लग रहा है, लेकिन इससे भयानक बदबू आ रही है। टेड, मुझे एक भयानक आइसक्रीम मिली है, पर मुझे ये किसी भी हाल में खाना होगा। मैं बहादुर हूँ, मैं ये कर लूंगी। छी, ये कितना बेकार है, पर मुझे ये खत्म करना होगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा। एनी, तुम ये कैसे कर पा रही हो? क्या तुमने खत्म कर लिया? हाँ, किसी तरह। ओह, ये बहुत बुरा था। हाँ, तो इस बार बच्चों के लिए कैसी आइसक्रीम बनाओ? मैं वनीला आइसक्रीम का एक स्कूप लूंगी, वो इसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। फिर मैं मिल्क चॉकलेट डालूंगी। मुझे कुछ और चॉकलेट ही चाहिए। ओह हाँ, मेरे पास न्यूटेला है, मैं इसे भी डाल देती हूँ, कोई कंजूसी नहीं। ऐसा लगता है इसमें सब कुछ डाल दिया गया है। अब मुझे ढक्कन को बंद करना होगा ताकि कुछ भी छिलक कर बाहर ना आए। और इसे चालू कर दिया, थोड़ा इंतजार करना होगा। और अब यह तैयार हो गया है, इसे जल्द से जल्द मशीन में डाल देती हूँ। मुझे उस लकी आदमी से जलन हो रही है जिसे यह आइसक्रीम मिलने वाली है। यह निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट है। ऊपर से गमी बेयर स्प्रिंकल ताकि यह पक्का पसंद आए। मैं इसे स्टैंड पर लगा देती हूँ और तुरंत अगले आइसक्रीम पर बढ़ती हूँ। मुझे यह चाहिए। हाँ, चम्मच, वह कहाँ है? मैंने इसे गिरा दिया था। मैं पूरी अंधी हो गई हूँ। तो हम कहाँ थे? बिल्कुल सही, हम आम सोरबे की एक बॉल लेते हैं। और क्या डालूं? हाँ, कच्चे अंडे डालूंगी, मुझे लगता है दो काफी होंगे। हाँ, तो एक और चीज ताकि सब कुछ स्वादिष्ट हो जाए। हाँ, ये बर्गर। तुम बर्गर मुझसे छिप नहीं सकते। चलो इसे एक बार खा लेती हूँ। और चलो इसे आइसक्रीम में मिलाती हूँ। अब सब ढक्कन बंद करके इसे अच्छे से मशीन चालू कर देती हूँ। यह तैयार हो गया। मिक्सचर को मशीन में डालें और अब इसे कोन में डाल देती हूँ। मैंने कितनी पौष्टिक आइसक्रीम बनाई है। एक कोन में पूरा खाना, केवल एक चीज की कमी है, मछली। हाँ, बदबू भयानक है, इसलिए इसे जल्दी से खा लेना। तुम मेरी बहन हो, इसलिए तुम पहले शुरू करो। एनी, नहीं तुम। ठीक है, तो मैं इस कोन को चुनता हूँ। हो, यह स्वादिष्ट होगा। मुझे भी थोड़ा दो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। बेशक मेरी प्यारी बहन। लो पकड़ो। बुद्धू बनाया, एक शरारत थी। मैं ये सब खुद खाऊंगा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। फिर मैं अपनी आइसक्रीम को ट्राई करूंगी। ओ नहीं, ये मछली के साथ है। मुझे बेस्वाद आइसक्रीम नहीं चाहिए। टेड भाई, क्या तुम्हें दूसरी आइसक्रीम चाहिए? नहीं। खैर ठीक है, मैं इसे खुद खाऊंगी, कम से कम मैं कोशिश करूंगी। ओ, मछली का सिर कितना भयानक है, लेकिन एक चुनौती है, मुझे सब कुछ खाना पड़ेगा। एनी, मुझे सच में अफसोस है कि तुम्हें यह खाना पड़ा। मैं कलिनरी मास्टरपीस बनाने के लिए तैयार हूँ। हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की एक बॉल लेते हैं और इसे एक ब्लेंडर में डालते हैं। मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। और अब सबसे दिलचस्प चीज, हम चिप्स के साथ आइसक्रीम बनाएंगे। मुझे पता है कि टेडी को ये नाचोस बहुत पसंद है। बिल्कुल सही, मैं शहद के बारे में लगभग भूल गई। शहद बहुत उपयोगी है, ऐसी आइसक्रीम के बाद वे निश्चित रूप से बीमार नहीं पड़ेंगे। ढक्कन बंद करके इसे चालू करें और थोड़ा इंतजार करें। इसे बंद करें, मशीन में डाला और फिर कोन में डाला और ऊपर से सीरियल के साथ सजाया। हो, कितना सुंदर कोन है। और तुम बता नहीं सकते कि चिप्स के साथ क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा कोन वनीला आइसक्रीम के साथ होगा। मुझे लगता है एक स्कूप काफी होगा। मेरे पास आइडिया तैयार है कि इसमें क्या मिलाया जा सकता है। ब्रोकली, ऐसे तो बच्चे से खाते नहीं है, तो शायद वे इसी आइसक्रीम के साथ पसंद करेंगे। और केचप, टोमेटो केचप, इसके साथ सब स्वादिष्ट लगता है। ढक्कन को बंद किया और इसे चालू कर दिया। अब इसे मशीन में डालते हैं और फिर कोन में निकालते हैं। केचप के कारण इसका रंग कितना गाढ़ा लाल हो गया है। और हमें कोन पर क्या स्प्रिंकल करना चाहिए? यह सही है, चलो फ्रेंच फ्राइज लेते हैं, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। बस सब तैयार है, उम्मीद है कि बच्चे इसे पसंद करेंगे। मैं पहले। हाँ, पर मेरे बाद। ये मेरे लिए सही लग रहा है। मेरा फेवरेट सीरियल, स्वादिष्ट। ओह हाँ,
और मेरे पास फ्रेंच फ्राइज के साथ लाल आइसक्रीम है। मुझे फ्राइज बहुत पसंद है, मुझे लाल रंग पसंद है। बढ़िया कॉम्बो, चलो रेस लगाएं। क्या तुम्हें यकीन है कि इतनी जल्दी आइसक्रीम खाना सुरक्षित है? तुम बीमार पड़ सकते हो। दादी नैन्सी ने जो बनाया है क्या तुम्हें वो सच में पसंद है? ओह, लगता है कि टेड को फ्राइज और आइसक्रीम पसंद नहीं आ रहा, लेकिन एनी को अपनी आइसक्रीम पसंद आ रही है। उसने लगभग सब कुछ खा लिया। चलो टेड, तुम यह कर सकते हो। हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ चलो भाई। ओहा, तुम लोग कितने अच्छे हो, इस चुनौती के सभी कोन खा लिए। और ये हमारी चुनौती का अंत है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई चुनौती को मिस ना करें।